हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं भाई, ये है पेट साफ़ करने के लिए जड़ी बूटियाँ। जिनका कब्ज़ बनता है या पेट सही से साफ़ नहीं होता है, बार बार फ्रेश लगता है और तब भी ठीक से पेट नहीं साफ़ होता, तो उसके लिए भाई ये जड़ी बूटियाँ हैं। इसको मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, अच्छी जड़ी बूटियाँ हैं। इसके इस्तेमाल से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। अगर आप कहीं से भी दवा खा रहे हैं, उससे पहले आपका पेट साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। तब आप जिसके लिए आप दवा खा रहे हैं ना, वो अच्छे से काम करेगा, नहीं तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा भाई। आप इसको, आपकी तरफ तो शायद मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये लोकल है भाई, हर जगह ये चीज़ नहीं मिलने वाला है। तो उसके लिए भाई आप ऐसे आपके यहाँ जड़ी बूटी की दुकान में ऐसे जाएं और ऐसे कुछ चीज़ ले लें जिससे आपका पेट साफ़ हो जाए। हाँ, तब उसके बाद के आप अपना प्रॉब्लम के लिए जो भी खा रहे हैं भाई, वो ठीक होगा। नहीं तो आप कहीं भी कैसे भी दवा ला रहे हैं ना भाई, वो अच्छे से काम नहीं करेगा। अगर आपका पुराना से पुराना पेट में सड़ गल रहा है, तो वो साफ़ हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत तो आपका प्रॉब्लम है, पेट नहीं साफ़ हो रहा है थोड़ा बहुत, तो आप खाओगे ना, तो इसमें ये इसका काढ़ा बना के पीना होता है, ताकि हमारा पेट साफ़ हो जाएगा। अगर जिनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आँत में चिपका रहता है, कोई भी जैसे गाद टाइप में रहता है भाई, जब इसको इस्तेमाल कर लेंगे ना, तो आप फ्रेश होने जाओगे, 2 या 3 बार जाओगे ना, तो गाद जैसा होता है, अगर सीट में लग जाएगा ना भाई, तो जल्दी छूटने वाला नहीं है सीट से। समझ लो इतना ये जो आँत में जो चिपका उपका रहता है, जो भी चिपका रहता है ना, उसको निकाल देता है भाई 1 या 2 बार में। फिर इसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर इसके बाद 15 दिन बाद फिर अगला एक पैकेट इस्तेमाल करना पड़ता है भाई। बीच बीच में इसको इस्तेमाल करना है, तब इसके बाद आप जो दवा खा रहे हैं ना भाई, उसका सही से फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो आप इसका पेट नहीं साफ़ हो रहा और आप दवा खा रहे हैं, तो भाई वो अलग से रिएक्शन टाइप कर सकता है। इस वजह से पेट साफ़ होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए।